पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। नेशनल हाईवे करनाल पर हादसा हुआ है, अभी अभी एक बड़ा ट्रक जो है पलट जाता है। करनाल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। जी हां, आप देख सकते हैं चालक सुरक्षित है, भगवान का शुक्र है कि चालक सुरक्षित है। पुलिस की गाड़ी इस समय आप देख सकते हैं, जैसे ही जानकारी पुलिस को लगती है तो पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंच गई है। ये लाइव तस्वीरें समय नेशनल हाईवे करनाल से देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ा चावल से भरा हुआ एक कड़ा कंटेनर ट्रक जो है अभी अभी पलटा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि चालक सुरक्षित है, लेकिन एक बड़ा कंटेनर ट्रक यहां पर पलट जाता है। पुलिस की टीम इस समय आप देख सकते हैं देखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कम से कम 3 से 4 बड़ी क्रेनों को लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। लेकिन हाईवे पर कोई और हादसा ना हो, जिसके चलते जो सर्विस रोड है उसको तो हालांकि बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जो रास्ता है आप देख सकते हैं, वो आधा जो ट्रक है, आधे से कुछ हिस्सा जो ट्रक है वो मेन हाईवे की तरफ भी आ रहा है, जिस कारण रात का समय है और अगर सुबह कोहरा होता है तो कोई और हादसा ना हो, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि क्रेनों को अभी बुलाया जाएगा और किस तरह से इस ट्रक को साइड में करने का काम शायद शुरू किया जाए। नमस्कार, इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं नेशनल हाईवे करनाल पर, जहां पर अभी अभी एक हादसा हो जाता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बड़ा कंटेनर ट्रक करनाल नेशनल हाईवे पर अभी अभी पलट जाता है। गनीमत है कि जो चालक है वो सुरक्षित बच जाता है। आप देख सकते हैं, शुक्र है भगवान का कि वह सुरक्षित बच गया, लेकिन पूरा का पूरा कंटेनर जो ट्रक था बड़े वाला, वो आप देख सकते हैं इस समय हाईवे के साइड में पलट जाता है। एक बड़ा हादसा होने से टला है, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी बड़ा और काफी भारी भरकम कंटेनर ट्रक था, 10 टायरी से ऊपर जो एक बड़ा ट्रोला ट्रक था, जो पूरा का पूरा हाईवे के मैगडी के सामने आप देख सकते हैं किस तरह से पलट जाता है, और चालक बड़ी मुश्किल से बचा है। बड़ा हादसा होने से टला है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय नेशनल हाईवे करनाल से आप देख सकते हैं। ट्रक पलट गया, यहाँ चावड़ा का भरा हुआ ट्रक, मौके पर आए हैं। देखा है इसमें ड्राइवर का बचाव है, कोई नुकसान नहीं है, बाकी क्रेन मंगा गए, इसको सीधा कराएंगे। तो कहाँ से कहाँ जा रहा था सर ये गुजरात वगैरह जा रहा था ट्रक, चावल भरा हुआ सर, चावल भरा हुआ। कारण क्या रहा पलटने का? कारण तो ये रहा गिल्ला, मौसम खराब है, और ये 4 लाइन से ऊपर चढ़ाते हाईवे पे, हाईवे पे चढ़ते समय पलट गया ट्रक। नेशनल हाईवे करनाल पर अभी अभी एक हादसा हो जाता है, मैकडोनल्ड्स के सामने सर्विस रोड से आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर एक बड़ा चावलों से भरा हुआ एक कंटेनर ट्रक जो है चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरा का पूरा कंटेनर ट्रक जो है पलट जाता है, जिसके चलते सर्विस रोड पर जाम लग चुका है और कई घंटे लगेंगे इस ट्रक को सीधा करने में। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, काफी बड़ा एक कंटेनर ट्रक है जिसमें कई टन चावल जो है लेकर जाया जा रहा था। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत यह रही कि जो चालक है वो सुरक्षित है, लेकिन मैकडोनल्ड्स की तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है वो जो है आप देख सकते हैं जाम लग चुका है। इसलिए करनाल के तमाम लोगों से अपील कि इस रास्ते से सफर करने से जरूर बचिएगा, क्योंकि कई घंटे लग सकते हैं, क्योंकि एक भारी भरकम बड़ा कंटेनर ट्रक इस रोड पर पलट चुका है। नमस्कार, इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं नेशनल हाईवे करनाल पर, जहां पर अभी अभी एक हादसा हो जाता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बड़ा कंटेनर ट्रक करनाल नेशनल हाईवे पर अभी अभी पलट जाता है। गनीमत है कि जो चालक है वो सुरक्षित बच जाता है। आप देख सकते हैं, शुक्र है भगवान का कि वह सुरक्षित बच गया, लेकिन पूरा का पूरा कंटेनर जो ट्रक था बड़े वाला, वो आप देख सकते हैं इस समय हाईवे के साइड में पलट जाता है। एक बड़ा हादसा होने से टला है, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी बड़ा और काफी भारी भरकम कंटेनर ट्रक था, 10 टायरी से ऊपर जो एक बड़ा ट्रोला ट्रक था, जो पूरा का पूरा हाईवे के मैगडी के सामने आप देख सकते हैं किस तरह से पलट जाता है, और चालक बड़ी मुश्किल से बचा है। बड़ा हादसा होने से टला है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय नेशनल हाईवे करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर बहुत ही भारी भरकम ट्रक किस तरह से पलट जाता है, और चालक जो है भगवान का शुक्र है कि वो सुरक्षित है। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाल बाल सुरक्षित है। आसपास के जो लोग हैं, आप सर क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने हुआ है, बाद में देखा आपने एक्सीडेंट? हमारे पास तो जैसे गोल लाइन ना, तो हम तभी आगे, हम NHI से हाईवे वाले, हमने तो अभी आगे देखा है, किसी को चोट नहीं है, बचाव हो गया सब का। बड़ा वाला ट्रक है? हाँ जी, बड़ा ट्रक है, अनाज लोड है जिसमें। आप इसे कहाँ जा रहा था? ये चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा था। अब इसके मालिक आएगा, उसने गाड़ी भेजी है, इसको लोड कराएंगे तो फिर इसको सीधा कराएंगे। से ही कहीं जा रहा था ये? नहीं सर, ये पीछे से आ रहा था। तो पुलिस को जानकारी दे दी? हाँ जी हाँ जी, पुलिस को जानकारी दे दी, वो भी पहुंचने वाले हैं जी। हमें कई क्रेनों को बुलाना पड़ेगा, बड़ा ट्रक है। हाँ जी हाँ जी, 2-3 क्रेन लगेगी जी, वो भी बुलाएंगे जी। क्या नाम है आपका? मंजीत जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं NHAI
जो अथॉरिटी है वहां से जो लोग हैं वो हालांकि मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं। बाल बाल बचा है, जो चालक है वो बाल बाल बचा है, लेकिन एक बड़ा कंटेनर ट्रक जो है यहाँ पर पलट जाता है। चालक इस समय यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कैसे हादसा हुआ? कुछ नहीं जी, यहाँ पे गाड़ी भी रोड पे चढ़ा रहा था, सामने कार वाला आ गया, जो धीरे कर ली गाड़ी को, धीरे करके जैसे ही ऊपर गाड़ी को आगे चढ़ाने की कोशिश की, वो झटका मार के पलटा हो। क्या कुछ भरा हुआ इसमें? इसमें चावल है जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? यहाँ से अपने मुंद्रा जा रहा था, गुजरात। कहाँ से लिया था चावल? यही से लोड किया था मैं, रावड़ी से, मिसिंग से। अब गुजरात जा रहे थे? हाँ। क्या नाम है आपका? आसिफ है। चोट तो लगी किसी को? नहीं नहीं, चोट नहीं लगी। अकेले थे? हाँ अकेले। तो आप देख सकते हैं मिसिंग से चावल शायद किसी राइस सेलर से लोड किया होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। नेशनल हाईवे करनाल पर हादसा हुआ, अभी अभी एक बड़ा ट्रक जो है पलट जाता है। करनाल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं चालक सुरक्षित है, भगवान का शुक्र है कि चालक सुरक्षित है। पुलिस की गाड़ी से आप देख सकते हैं, जैसे ही जानकारी पुलिस को लगती है तो पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंच गई है। ये लाइव तस्वीरें समय नेशनल हाईवे करनाल से देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ा चावल से भरा हुआ एक कड़ा कंटेनर ट्रक जो है अभी अभी पलटा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि चालक सुरक्षित है, लेकिन एक बड़ा कंटेनर ट्रक यहां पर पलट जाता है। पुलिस की टीम इस समय आप देख सकते हैं देखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कम से कम 3 से 4 बड़ी क्रेनों को लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए, लेकिन हाईवे पर कोई और हादसा ना हो, जिसके चलते जो सर्विस रोड है उसको तो हालांकि बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जो रास्ता है आप देख सकते हैं वो आधा जो ट्रक है, आधे से कुछ हिस्सा जो ट्रक है वो मेन हाईवे की तरफ भी आ रहा है, जिस कारण रात का समय और अगर सुबह कोहरा होता है तो कोई और हादसा ना हो, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि क्रेनों को अभी बुलाया जाएगा और किस तरह से इस ट्रक को साइड में करने का काम शायद शुरू किया जाए, ताकि इसके कारण कोई और हादसा ना हो। पुलिस की टीमें इस समय आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच चुकी है, और बड़ा बड़ा एक कंटेनर ट्रक इस समय आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा पलट जाता है, पूरा का पूरा पलट जाता है। चालक बड़ी मुश्किल से, उसकी जान बची, गनीमत है कि उसको चोटें नहीं आई है, लेकिन उसने बताया कि मिसिंग से चावल लोड करके गुजरात जा रहा था, एक गाड़ी आगे थी, अचानक जब ब्रेक मारी तो मिट्टी बारिश के कारण जो है काफी ज्यादा फिसलन थी, जिसके चलते लोड काफी ज्यादा था और अचानक एक बड़ा कंटेनर ट्रक जो है बीच रोड पर आप देख सकते हैं सर्विस रोड और नेशनल हाईवे के बीच में पलट जाता है। बड़ा कंटेनर ट्रक है, जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच चुकी है, और जो पुलिस है वो चालक से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सर क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली थी, कहां पर यह हादसा हुआ जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे? ट्रक था ही गलत तो डाल रहा था, वैसे यहां से तो नया रास्ता तो है नहीं, इसका 4 लाइन खाली पड़ी है, आगे जाके इसी रोड पर चल जाता, गिल्ला रास्ता हो रहा है, वैसे गलती तो है ड्राइवर की, बचाव रह गया, बच गया ये, बाकी क्रेन मंगा के इसको क्लियर करेंगे। बड़ा ट्रक है सर? हाँ, 2 क्रेन मंगा लेंगे हम। तो अनाज से भरा हुआ है? चावलों से भरा हुआ है। गुजरात जा रहा था? हाँ गुजरात। तो चोट तो ही लगी? नहीं नहीं, चोट नहीं लगी। तो अभी साइड में करेंगे? हाँ अभी कराएंगे साइड में। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है, और किस तरह से इस बड़े कंटेनर को, बड़े कंटेनर ट्रक को अब साइड में किया जाएगा। सूचना मिलते ही जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है। नेशनल हाईवे करनाल पर अचानक हादसा हो जाता है, मैकडोनल्ड्स की तरफ से जो सर्विस रोड आती है, कच्चा रास्ता है, उससे जो है चालक ने थोड़ी लापरवाही जरूर की कि आगे जो मेन कट आता है अगर वहां से चढ़ जाता तो शायद इस तरह का हादसा ना होता, लेकिन मिट्टी जो है फिसलन थी, बारिश के कारण जो है वहां पर खड्डे थे वो दिखाई नहीं दिया, और उस खड्डे से में इस तरह से ट्रक आता है और अचानक पूरा का पूरा बड़ा कंटेनर ट्रक जो है पलट जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है, मामले की तफ्तीश जो है शुरू कर दी गई है, लेकिन इस रोड पर आप देख सकते हैं जाम लग चुका है। सर्विस रोड से जो हैवी ट्रक है, जो पश्चिमी यमुना बाईपास से आते हैं, वो ऊपर चढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं उनको कहीं ना कहीं वहीं पर कैथल रोड पर रोका जाएगा, ताकि ये तमाम ट्रक इस तरह से हाईवे पर चढ़ेंगे तो कोई भी बड़ी गाड़ी के साथ दुर्घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े ट्रक जो निसिंग साइड से, कैथल साइड से आते हैं और पश्चिमी यमुना बाईपास से, जिलमिल वाली तरफ से नीचे से होकर ये फ्लाईओवर पर चलते हैं और गलत रास्ता अपनाते हैं। हालांकि जो कट है वो आगे है, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से गिल्ली मिट्टी थी,
खड्डा था और जिसके कारण एक हैवी जो ट्रक था, एक बड़ा ट्रक था जिसमें चावल लोड थे, उसका संतुलन बिगड़ा और वो पूरा का पूरा कंटेनर ट्रक किस तरह से पलट जाता है। अब इन तमाम ट्रकों को भी जो है यहाँ से आने की मनाही की जा रही है ताकि इनका भी कोई हादसा ना हो, इनको भी वापस कराने का काम जो है किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे करनाल से, जहाँ पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। गनीमत है कि चालक जरूर सुरक्षित है, लेकिन एक बड़ा कंटेनर ट्रक जो चावल से भरा हुआ था, अब उसको कई क्रेनों की मदद से साइड में किया जाएगा। पुलिस की टीमें हालांकि मौके पर पहुंच चुकी है। चालक ने बताया कि निसिंग साइड से वह चावल को लोड कर कैथल की तरफ जा रहा था। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चालक इस समय यहां पर मौजूद है और चोट नहीं लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी ट्रक चालकों को भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोड जो है आगे बिल्कुल सही रास्ता ऊपर चढ़ने का आता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी देरी, थोड़ी सी जल्दबाजी किस तरह से एक बड़े हादसे को नुकसान दे देती है, एक बड़े हादसे का कारण बन जाती है। तो गनीमत रही कि दूसरी तरफ कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, अगर कोई कार या ट्रक इसके नीचे आ जाता तो अपने आप में अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। शुक्र है कोई बाइक चालक इसकी चपेट में नहीं आया। आप ये लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल के नेशनल हाईवे से। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे नेशनल हाईवे करनाल पर, जहां पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक बड़ा कंटेनर ट्रक इस समय आप देख सकते हैं चावलों से भरा हुआ था और किस तरह से ट्रक चालक की थोड़ी सी लापरवाही जरूर रही कि कच्ची रोड से वह बड़े ट्रक को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते जो गुजरात चावल लेकर जाया जा रहा था वो जो है यहां पर पलट जाता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं सामने जाम जैसी स्थिति हो चुकी है और जो लोकल व्हीकल्स हैं जो इस तरफ से आना चाह रहे थे वो भी जाम में फंस चुके हैं और अन्य ट्रक जो पश्चिमी यमुना बाईपास से घूम के आते थे और जिलमिल वाली तरफ से नीचे होकर ऊपर चढ़ते थे वो भी किस तरह से यहाँ पर फंस चुके हैं जाम में और एक्सीडेंट होने का बड़ा खतरा जो है रहता है, क्योंकि फ्लाईओवर से काफी गाड़ियां जो है चलती है और इस तरह से अगर ट्रक ऊपर गलत दिशाओं से चढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह के हादसे हो सकते हैं। हालांकि पुलिस की जो टीम है आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच चुकी है और अब क्रेनों को बुलाया जाएगा ताकि क्रेनों की मदद से इसको साइड में किया जा सके। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे, जो पुलिस के अधिकारी है उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये लाइव तस्वीरें इस समय नेशनल हाईवे करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ा चावलों से भरा कंटेनर ट्रक जो है पलट जाता है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस के अधिकारी समय रूट्स को डाइवर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जो दूसरे ट्रक है वो इस रूट से ना जाए, क्योंकि और भी हादसा इस कारण हो सकता है। आप देख सकते हैं बड़ा कंटेनर ट्रक, एक बड़ा कंटेनर ट्रक नेशनल हाईवे करनाल पर पलट जाता है, हाईवे के बीच में पलट जाता है। पुलिस की टीम इस समय मौके पर पहुंच चुकी है, इस समय आप देख सकते हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जरूर करते हैं, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सर क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद मौके पर पहुंचे आप? हाँ जी, क्या जानकारी मिली थी सर? जानकारी ये मिली थी को ट्रक पलट गया, यहाँ चावड़ा का भरा हुआ ट्रक, मौके पर आए हैं, देखा है इसमें ड्राइवर का बचाव है, कोई नुकसान नहीं है, बाकी क्रेन मंगा गए इसको सीधा कराएंगे। कहाँ से कहाँ जा रहा था सर ये? ये गुजरात वगैरह जा रहा था ट्रक, चावल भरा हुआ सर, चावल भरा हुआ। कारण क्या रहा पलटने का? कारण ये रहा गिल्ला, मौसम खराब है और ये फोर लाइन से ऊपर से ढाँ दे हाईवे पे, हाईवे पे चढ़ते समय पलट गया ट्रक। बिल्कुल आप देख सकते हैं समय पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंच जाती है और कैसे जो है एक हादसा होता है, एक जरा सी लापरवाही जो है एक हादसे का कारण बन सकती है। हमारी सिर्फ सभी लोगों से अपील है कि इस तरह से हाईवे पर किसी बड़े वाहन को अगर आपने चढ़ाना है तो सड़क वाले रास्ते से जरूर चढ़ाएं, कच्चे रास्ते से अगर आप चढ़ाएंगे और हैवी लोड व्हीकल होगा तो इस तरह से हादसे हो सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो करनाल नेशनल हाईवे पर मैगडी से जब आप करनाल की ओर जाएंगे, वहां पर जो है एक बड़ा ट्रक जो है वो पलट जाता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है सर्विस रोड से नेशनल फ्लाईओवर के ऊपर जो है एक बड़ा ट्रक जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश के कारण गिल्ली मिट्टी थी, इसके कारण खड्डे भी काफ़ी ज़्यादा थे, इसके कारण ये बड़ा ट्रक जो है वो पलट जाता है। निसिंग से गुजरात आया जा रहा है कि चावल लोड कर जो है अभी निकला था, कुछ ही समय पहले निकला था निसिंग से, लेकिन करनाल नेशनल हाईवे पर मैगडी के बिल्कुल ठीक सामने जो है ये बड़ा ट्रक जो है चावलों से भरा हुआ वो पलट जाता है। लेकिन सुरक्षित बात यह है, गनीमत यह रही कि जो ट्रक ड्राइवर था वो सुरक्षित है, उसको चोटें नहीं आए, लेकिन एक बड़ा जाम की स्थिति जो यहाँ पर पैदा हो जाती है, क्योंकि देखते हैं कि काफ़ी जो ट्रक है वो पीछे लाइनों में लगे जरूर हुए हैं, जो सर्विस रोड से ऊपर चढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं ऐसे में, क्योंकि सर्विस रोड जो है वो बंद हो चुकी है। इसमें देखते हैं कि अब पुलिस की जो टीम है मौके पर पहुंच जुड़ चुकी है, लेकिन देखते हैं कि अब बड़े जो क्रेन है दो या तीन क्रेनों को जो है बुलाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द जो है इस ट्रक को जो है साइड में किया जाए, क्योंकि रिस्क जो है नहीं लिया जाता, क्योंकि नेशनल हाईवे का मामला है, ऐसे में कोई और अन्य हादसा ना हो उसका भी जो है ध्यान रखा जाएगा। जल्द से जल्द जो है इस ट्रक को सीधा किया जाएगा, साइड में किया जाएगा और दूसरा एक ट्रक जो है मंगवाया जाएगा ताकि ये सामान जो है उसमें लोड कर भेजा जा सके। लेकिन जब हमने ट्रक ड्राइवर से बात की, उनका कहना है कि निसिंग से जो है ये गुजरात की ओर जा रहा था, सभी लोग सुरक्षित हैं,
मिट्टी गिल्ली होने के कारण, क्योंकि बारिश जो है लगातार 3-4 दिन से आ रही थी, ऐसे में खड्डे भी जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसके कारण ये ट्रक जो है सर्विस रोड से फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहा था, ऐसे में इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये ट्रक जो है पलट जाता है। लेकिन अगर कोई और गाड़ी या कोई और पैदल सवार या बाइक सवार व्यक्ति अगर होता तो शायद इसकी चपेट में जरूर आ सकता था। ऐसे में सभी जो गनीमत है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई और अन्य वाहन जो है इसके साथ साथ नहीं चल रहा था, इसके कारण जो है कोई और अन्य हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। लेकिन हम सबको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर सड़क पर चल रहे, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे कोई भी रोड हो, हमें सुरक्षित चलना है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, क्योंकि ऐसे हादसों से जो है बचा जा सकता है। देख सकते हैं कि ये सर्विस रोड है जो कि आगे जाकर जो इसका सीधा रास्ता जो है वो निकलता है, जो फ्लाईओवर पर चढ़ने का ये एक कच्चा रास्ता जुड़ रहा है, इस पर जो है इसने लापरवाही जरूर बरती है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा ट्रक है वो उसका जो पार्ट है वो किस तरीके से बाहर आता हुआ नजर जुड़ रहा है। चावलों से ये भरा हुआ ट्रक बताया जा रहा है जो कि निसिंग से जो है गुजरात की ओर जा रहा था, और ऐसे में अब ये ट्रक पलट जाता है, उसके कारण जो पीछे लंबी कतारें हैं ट्रकों की वो भी यहाँ पर जो है लग जाती है, इसके कारण काफ़ी जो रिस्क है वो राहगीरियों के लिए बन जाता है, क्योंकि जो छोटी गाड़ियाँ जो सर्विस रोड पर शहर में चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं फंस जाती है। और ऐसे में सर्दियों का दिन है, अभी शुक्र है कि धुंध नहीं हुई है, वरना कोई और अन्य हादसे जो है यहाँ पर हो सकते थे। फिलहाल जो ये देखते हैं कि कच्चा रास्ता है, काफ़ी कीचड़ यहाँ पर जमा हुआ, खड्डे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके कारण जो है ट्रक अनियंत्रित हो जाता है और सर्विस रोड से फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने की ओर जो कोशिश करता है वो यहाँ पर पलट जाता है। आधा ट्रक का हिस्सा जो है वो फ्लाईओवर के ऊपर है, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर गनीमत ये रहा कि फ्लाईओवर के ज़्यादा ऊपर नहीं है, अन्यथा यहाँ पर जो फ्लाईओवर है वहाँ पर भी जो लंबी कतारें देख सकते थे। लेकिन अभी जो है ये सर्विस रोड पर ट्रक था, इसके कारण जो है ये मिट्टी जो है काफ़ी गिली थी, इसके कारण जो है ये ट्रक पलट जाता है। फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर जो है पहुँची है, क्रेन को बुलाया जाएगा, 2 से 3 क्रेनों को बुलाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द जो है नेशनल हाईवे जो है वो क्लियर करवाया जा सके और इस ट्रक को जो है साइड में लगवाया जा सके। हमारी आप सभी से अपील की लोग चलते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, और चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे कोई भी सड़क हो, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि जो कि पक्की सड़क है वहीं पर जो है हमें चलना चाहिए। फिलहाल इस ट्रक को जो है साइड में करवाया जाएगा और सुरक्षित जो है इनको साइड में लगाकर जो है दूसरी ट्रक जो है मंगवाया जाएगा, ताकि इसका सामान जो है वो दूसरे ट्रक में लोड कर जो है भिजाया जा सके। इसके मालिक को जो है फिलहाल अब बुला लिया गया, लेकिन गनीमत यह है कि जो भी ट्रक ड्राइवर था वो फिलहाल अभी सुरक्षित है, और अब देखते हैं कि पुलिस की टीम जो है वो यहाँ से जो है मौके का मुआयना देखती हुई नजर आ रही है, ताकि जल्द से जल्द जो रास्ता है वो भी खुलवाया जा सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रक जो है वो सर्विस रोड से जो है नेशनल फ्लाईओवर की ओर जो है चढ़ते हुए नजर जुड़ा है। लेकिन अभी जो है उनको फिलहाल रुकवा दिया गया, क्योंकि पीछे से भी जो है काफ़ी तेज़ वाहन जो है वो यहाँ पर आते हुए नजर जुड़ा रहे हैं, ताकि कोई और अन्य हादसा यहाँ पर ना हो, उनका भी जो है ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल क्रेन को तो बुला लिया गया, अब देखना ही होगा कि कितनी देर में जो है इस ट्रक को सीधा किया जाता है और कब जो है इसको साइड में लगवाया जाता है, ताकि कोई और अन्य हादसा जो है वो यहाँ पर ना हो सके। देखते हैं कि गाड़ियों की कतारें जो है वो यहाँ पर जो है लगती हुई नज़र भी आ रही है, और परेशानी जो है वो लोगों की यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ जो है जो लोकल गाड़ियाँ हैं उनको जो है यहीं पर करनाल ही जाना है, उनको भी जो है कहीं ना कहीं आधा एक घंटा जो है हो सकता है कि वेट करना पड़े, क्योंकि जब तक ट्रक सीधा नहीं होगा तो ऐसे में बाकी गाड़ियाँ जो है वो आगे की ओर नहीं जा सकती। हमारी आप सभी से बार बार यही अपील लगी कि सर्दियों का दिन है, आने वाले दिनों में धुंध भी देखी जा सकती है, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, एक रफ्तार का जो है ध्यान जरूर रखें कि ऐसे में रफ्तार जो है हमें अपनी ध्यान रखना है, ताकि ऐसे हादसों से जो है बचा जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।